हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आज हम एक नया चैप्टर शुरू करें, वो एंशियंट हिस्ट्री का चैप्टर वन है। ओके, प्री हिस्ट्री आज कवर करेंगे। ओके और हमारा जो हिस्ट्री है, पहले तो हम एंशियंट हिस्ट्री को कवर करेंगे, उसके बाद मेडिवल्स, उसके बाद मॉडर्न। ओके, पूरा हिस्ट्री हम एग्जाम तक कवर अप कर लेंगे। ओके सो आज जो है एंशियंट हिस्ट्री का जो चैप्टर वन है, सो उसको कवर अप करेंगे। सो चलिए देखते हैं प्री हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री में। ओके सो बेसिकली प्री हिस्ट्री जो है, ये एक पीरियड है। ओके ये स्टार्टिंग हुआ था जब क्या है, ह्यूमन बींग्स अपीयरेंस हुए थे अबाउट 5 मिलियंस ईयर्स एगो से। ये कब फिनिश हुआ ना, जब इनोवेशन ऑफ द राइटिंग हुआ, ठीक है, तब जाके ये फिनिश हुआ। सो हिस्ट्री जो देखेंगे हम, ये हिस्ट्री में क्या है, हमारा जो आर्कियोलॉजिकल एंड इथनोलॉजिकल जो है ये फाइंडिंग के, देयर आर नो रिटन रिकॉर्ड्स अबाउट दिस पीरियड। सो प्री हिस्ट्री जो है इसका जो कोई भी रिटन मटेरियल्स अभी तक मिला नहीं। ओके तो जो प्री हिस्ट्री के बारे में, सो जो स्टेजेस इन द प्री हिस्ट्री, ठीक है। सो प्री हिस्ट्री जो है एक तो हो गया पैलियोलिथिक एज, देन मेजोलिथिक एज, देन नियोलिथिक एज। ओके सो तीन स्टेज है इसमें। तो पहले तो हम पैलियोलिथिक एज को कवर करेंगे, उसके बाद मेजोलिथिक एज को कवर करेंगे, उसके बाद नियोलिथिक एज को कवर करेंगे। सो ये जो पैलियोलिथिक का टर्म है, ये ग्रीक वर्ड से आया है, मीन्स ओल्ड स्टोन है, इसका मीनिंग है। ओके ये जो नेम है पैलियोलिथिक, ये अप्लाइड हुआ है अर्लीस्ट पीपुल जो है, ओके इनका जो एविडेंस है, देयर एग्जिस्टेंस है, सो इसको लेकर ये जो पैलियोलिथिक एज को नाम दिया गया है। पैलियोलिथिक एज मीन्स ओल्ड स्टोन, ओके ए नंबर ऑफ द क्रूड स्टोन इंप्लीमेंटेड। सो पैलियोलिथिक एज जो है ये इंडिया में, ओके डिवाइडेड है इनटू द थ्री फेज है। सो तीन जो फेज है, तो पहले तो होगा लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज, ओके थर्ड इज द अपर पैलियोलिथिक एज, वेरी इंपॉर्टेंट है। सो इसका कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, लोअर पैलियोलिथिक एज और क्या अर्ली ओल्ड एज में, ये जो है उस टाइम में क्या हैंड एक्सेस यूज करते थे, क्लेवर्स यूज करते थे, चप्पल्स यूज करते थे, लोअर पैलियोलिथिक रिमेंस इन इंडिया। सो ये जो लोअर पैलियोलिथिक एज है, ओके इसको पर्टिकुलर इसको एक क्या है ना, क्वार्जाइट जो है वो क्वार्जाइट भी बोलते हैं। सो पैलियोलिथिक मैन इन द इंडिया ऑल्सो द क्वार्जाइट मैन है। ओके सो पैलियोलिथिक एज में जितने मैन थे, तो उस टाइम में उनको क्या है, क्वार्जाइट मैन बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आ सकता है। सो ये जो क्वार्जाइट मैन है, ऐसे आ जाएगा तो आपको फिर कंफ्यूज हो जाओगे क्वार्जाइट मैन किसको बोलते हैं। सो इसको क्या है ना, पैलियोलिथिक एज मैन। ओके सो उस टाइम में जो मैंस थे उनको क्वार्जाइट मैन भी बोलते है। सो देखेंगे तो स्टोन टूल्स जो है मेनली वो यूज करते थे चॉपिंग के लिए, डिगिंग के लिए, ओके स्किनिंग के लिए। देखेंगे तो अर्ली ओल्ड स्टोन एज जो है ये साइट है, ये कहाँ कहाँ पे मिला है, एक तो हो गया सोहन मीन्स सोहन इन द पंजाब, ठीक है, तो प्रेजेंटली ये पाकिस्तान में है, एंड सेवरल अदर जैसे क्या है फाउंड हुआ है कश्मीर में। ओके उसके बाद थर्ड डिजर्ट में लोअर पैलियोलिथिक के टूल्स जो है ये फाउंड हुआ है बेलान वैली इन द मिर्जापुर, ओके डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश। सो देखेंगे तो कैप्स रॉक्स जो है सेंट्रल भीमबेट का जो है, वेरी इंपॉर्टेंट है, भीमबेट का जो साइट है नियर द भोपाल इन मध्य प्रदेश है, भीमबेट का जो साइट है ये। सो देखा जाए तो भीमबेट का जो साइट है भोपाल में, ये 1 लाख BC से बिलोंग्स है। ओके सो ये यहाँ पे बहुत सारा रॉक शेल्टर्स है यहाँ पे, तो जो ह्यूमन बींग्स उस टाइम में रहते थे वो सीजनल स्कैम्स जैसे यूज करते थे। सो मिडिल पैलियोलिथिक इंडस्ट्री जो है देखेंगे तो उस टाइम में क्या है, सो फ्लाक्स जो है बेस्ड ऑन अपन द फ्लाक्स है, फ्लाक्स मीन्स ग्रुप ऑफ द स्मॉल ओके स्टोन्स है। सो देखा जाए तो प्रिंसिपल टूल्स जो वैरायटी ऑफ ब्लेड्स पॉइंट्स बदर्स ओके स्क्रैपर्स मेड ऑफ द फ्लैक्स। ओके सो देखा जाए तो यहाँ पे सेवरल प्लेसेस है जो कि रिवर जो है ना, ठीक है, सो रिवर जो है नर्मदा रिवर एंड सेवरल प्लेसेस में ये पाया गया है।
साउथ ऑफ द तुंगभद्रा रिवर्स, ओके, ये जो है मिडिल पैलियोलिथिक इंडस्ट्री ये पाए गए हैं, ओके। उसके बाद देखेंगे अपर पैलियोलिथिक फेज जो है ये लेस ह्यूमिड है, क्योंकि उस टाइम में क्या है, जो पब्लिक जो पीपल्स रहते थे उस टाइम में क्या है ना, स्केटर हो गए थे, ओके। स्केटर मीन्स एक जो क्या है, सो उनका जो खाना और रहने के लिए वो क्या है, स्केटर हो गए थे, मीन्स एक एक जगह से दूसरे जगह को वो माइग्रेटेड होते थे, बिकॉज एक जगह पे जो खाना खत्म हो जाता था, मीन्स जो एनिमल से ठीक है या फ्रूट से वो खत्म हो जाता था, तो वो सोचते थे क्या नहीं यहाँ पे खाना खत्म हो गया, फिर दूसरा जगह वो ढूंढते थे, तो वहां पे जाके सेटल होते थे, फिर वहां से खत्म हो जाएगा तो फिर दूसरा जगह, सो देट ये क्या इंडिया में चारों तरफ स्प्रेड हो गए थे। सो ये जो है उस टाइम में क्या है, अपर पैलियोलिथिक एज में एपियंस हुए थे जो है होमो सेपियंस, मींस मॉडर्न टाइप ऑफ होमो सेपियंस, ठीक है। यहाँ पे यूज करते थे उस टाइम में होमो सेपियंस जो है यूज करते थे ब्लैड्स, ओके, बोरिंस। सो ये जो है ब्लैड्स एंड बोरिंस है ये पाया गया है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओके, सेंट्रल मध्य प्रदेश, साउथ उत्तर प्रदेश, साउथ बिहार प्लाटू एंड एडजॉइनिंग द एरियाज में। जो क्या, एक तो यहाँ पे एक ब्लेड्स है, ब्लेड्स आपको मालूम होगा जो काटने के लिए, कुछ जैसे क्या है, कोई एनिमल से उसका जो स्किन को काटने के लिए ब्लेड्स यूज होता था। बोरिंस जो है वन टाइप ऑफ ये मेटल में या वुड में बनाया जाता है, ठीक है, और उसमें क्या है वुड उसका जो हैंडल रहेगा एंड ये जो पत्थर होता है मीन्स उस टाइम यूज करते थे जो पत्थर है, ओके, पत्थर का जो ऊपर उसको सेटल सेट करके फिर उसको क्या है नाखून काटने के लिए पेड़ को या हंटिंग करने के लिए यूज करते थे, ओके। सो इस टाइम में देखा जाता है कि जो केव से रॉक शेल्टर से ह्यूमन बींग्स यूज करते थे, ठीक है। इसको डिस्कवर किया गया है भीमबेटका में, 45 किलोमीटर साउथ ऑफ द भोपाल से। सो यहाँ पे दिखाया गया कि पैलियोलिथिक साइट जो ये फाउंड हुआ है मेनली हिली स्लॉप एंड रिवर वैली ऑफ द कंट्रीज में, बट ये जो है पैलियोलिथिक एज में जो ह्यूमंस थे उस टाइम में अलुविया प्लेन्स जो ऑफ द इंडस या गंगा में ये एब्सेंट थे, तो उस टाइम में उनको मालूम नहीं था, ओके, बट ये जो हिली स्लॉप्स एरिया में सेटल होते थे, रहते थे। सो देखा गया है पैलियोलिथिक मैंस जो है इंडिया का वो जो है सेवेज हो लिव्ड इन द ड्रिप्स ऑफ द रिवर्स एंड लेक्स कैप्स, ठीक है। सो ये लोग जो है ये खाते थे रूट्स फ्रूट्स एंड फ्लेश ऑफ द वाइल्ड बीट्स, ओके। देन आ जाएंगे मेजोलिथिक एज, जो मैंने आपको बताया था, एक तो पैलियोलिथिक एज हो गया मीन्स सबसे पुराना वाला, देन उसके बाद मेजोलिथिक मीन्स मिडिल जो स्टोन एज है। सो इस टाइम में क्या होता ना, हंटर्स एंड हारर होता था, अराउंड द 9000 BC, ओके, इंटरमीडिएट स्टेज है ये इन्वेंटेड हुआ है। सो ट्रेडिशनल फेज बिटवीन द पैलियोलिथिक एज एंड द न्योलिथिक एज जो है, पैलियोलिथिक एज एंड न्योलिथिक एज के एज में जो बीच वाला है उसको बोलते हैं मेजोलिथिक एज बोलते हैं, ओके। सो इस टाइम में मेजोलिथिक एज में क्या होता था ना, हंटिंग होता था, फिशिंग होता था एंड फूड गैदरिंग होता था। उसके बाद क्या हुआ ना, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हुआ, ठीक है। सो ये बहुत बहुत क्वेश्चन में भी आ सकता आया है एंड आ सकता भी है, ओके। सो फर्स्ट थ्री ऑक्यूपेंट्स जो है कंटिन्यू हुआ है पैलियोलिथिक प्रैक्टिस में, वाइल द लास्ट जो है मैंने बताया ये डोमेस्टिकेटेड वाज इंटररिलेटेड विद द न्योलिथिक कल्चर में, ठीक है। सो पैलियोलिथिक एंड मेजोलिथिक में ये हुआ नहीं, न्योलिथिक में कल्चर में ये जो डोमेस्टिकेटेड हुआ है एनिमल्स, ओके। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेजोलिथिक एज जो देखेंगे, माइक्रोलिथ्स, ठीक है, माइक्रोलिथ्स मींस जो स्टोन्स, जैसे क्या है पैलियोलिथिक एज में बड़ा बड़ा पत्थर यूज करते थे हंटिंग के लिए एंड कुछ पेड़ को काटने के लिए या और कुछ करने के लिए, काम करने के लिए, बट ये जो है कैरेक्टर ये मेजोलिथिक एज में क्या है ना, माइक्रोलिथ्स हुआ, माइक्रोलिथ्स इन स्मॉल जैसे क्या है एंड शार्प वाला जो पत्थर का जो हंटिंग करने के लिए मेटल्स यूज करते थे, ओके, पत्थर यूज करते थे। सो ये जो है मेजोलिथिक साइट से ये देखा गया है राजस्थान, साउथ उत्तर प्रदेश, सेंट्रल ईस्टर्न इंडिया एंड ऑल्सो द साउथ ऑफ द रिवर कृष्णा में, ओके। बेगोज जो है इन राजस्थान में वेरी वेल एग्जाम्पल है, ओके, यहाँ पे यहाँ से मिला है मेजोलिथिक्स, ओके।
सो देखा गया है यहाँ पे क्या है ना, इनहेबिटेंट्स सब्सिस्टेंस ऑन द हंटिंग एंड पेस्टोरलिज्म। ओके, सो मेजोलिथिक कल्चर जो कंटिन्यू हुआ है इम्पोर्टेंट रफली 9000 बीसी टू 4000 बीसी तक। ओके, देयर इज नो डाउट्स दैट इट पेव्ड द वे ऑफ द राइजिंग इन द न्योलिथिक कल्चर। सो देन आ जाएगा क्या, न्योलिथिक एज जो फूड है प्रोड्यूसर्स। न्योलिथिक मीन्स द न्यू स्टोन। ओके, न्योलिथिक मीन्स क्या है ना, न्यू स्टोन। न्योलिथिक साइट जो है इंडिया में फाउंड किया गया है, जैसे कि सी लेक्स माइनिंग एंड फिशिंग एरियाज, सच एज एक मस्की। ओके, मस्की एंड द थिनर वैली। ओके, सो ये दोनों जो एरिया है यहाँ पे फाउंड किया गया है। ओके, जो न्यू स्टोन है, ठीक है, न्योलिथिक एज मीन्स न्यू स्टोन। ओके, सो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स इसमें दिखाया गया है कि इनका जो सेटलमेंट ऑफ द न्योलिथिक मैन था इंडिया में, ये क्या है, जैसे क्या है ब्लैक कलर जो रॉक है। ओके, सो विच इज मोर टेनाशियस एंड द क्वार्जाइट। ओके, सो ये लोग जो है न्योलिथिक, सो न्योलिथिक जो साइड से फाउंड किया गया है, ये लोग क्या है ना ब्लैक कलर्ड रॉक जो है ये यूज करते थे। ओके, सम न्योलिथिक साइट जैसे फाउंड किया गया है नॉर्दर्न स्पोर्ट्स ऑफ द विंध्यास आर कंसीडरेड 5000 बीसी ओल्ड है ये। ओके, सो नॉर्थ वेस्ट में देखा जाए तो कश्मीरी न्योलिथिक कल्चर है, ये डिस्टिंग्विश हुआ है ड्वेलिंग द पीच। ओके, सो देखा गया है तो कश्मीर में एक इम्पोर्टेंट साइट है, उसका नाम है बुर्जा हम जो है। ओके, यहाँ से कुछ एग्जीबिशन हुआ है। सो विच मीन्स द प्लेस ऑफ द बर्थ, ये बुर्जा हम मीन्स द प्लेस ऑफ द बर्थ है। न्योलिथिक जो है पीपल्स है कश्मीर में। ओके, ये यूज करते थे नॉट इन द पॉलिश टूल्स ऑफ द स्टोन्स, बट व्हाट इज द मोर इंटरेस्टिंग, दे यूज द नंबर ऑफ टूल्स वेपन्स मेड ऑफ द बोन्स। ठीक है, तो न्योलिथिक मीन्स इस टाइम में क्या है ना, न्यू स्टोन यूज करते थे एंड बोन्स जैसे क्या है कुछ एनिमल्स का बोन्स है। ओके, तो इसको भी यूज करते थे हंटिंग के लिए और उनका जो बहुत सारा काम था। ओके, सो उसमें भी यूज करते थे ये लोग। ओके, सो देखा गया द ओनली द अदर प्लेस व्हिच हैज यील्डेड कंसीडरेबल बोन इम्प्लीमेंटेड इन द चिरान। ओके, 40 किलोमीटर्स वेस्ट ऑफ पटना ऑन द नॉर्दर्न साइड ऑफ गंगा। सो इंटरेस्टिंग दैट द बुर्जा होम में डोमेस्टिकेटेड डॉल्स जो डॉग्स है, ठीक है, डोमेस्टिकेटेड डॉग्स है ये बुरेड हुआ है। ये क्या हुआ है, ये बुर्जा होम में ये फेमस किस लिए है कश्मीर में, ये बुर्जा होम जो है इसमें पाया गया है कि डोमेस्टिकेटेड जो डॉग्स है इसको भी उसका जो मालिक के साथ किसको दफनाया गया है। ओके, सो इसलिए यहाँ पे बुर्जा होम जो है ये एग्जाबिटेड हुआ है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस है। ओके, सेकेंड ग्रुप ऑफ द न्योलिथिक ग्रुप्स जो पीपल्स है लाइव इन द साउथ ऑफ द गोदावरी, साउथ ऑफ द गोदावरी रिवर्स ऑल्सो। ओके, दे यूजुअली द सेटल्ड इन द टॉप्स ऑफ द ग्रानाइट हिल्स एंड प्लेटू नियर द रिवर बैंक्स। दे यूज्ड द स्टोन एक्सेस एंड ऑल्सो सम काइंड ऑफ द स्टोन ब्लेड्स ऑल्सो। ओके, थर्ड एरिया जो है न्योलिथिक टूल्स आसाम में, तो न्योलिथिक टाइम में पूरा इंडिया में ये लोग स्प्रेड हो गए थे। तो पहले तो हम पाया गया है एक तो कश्मीर में पाया गया है, फिर साउथ इंडियन में, ठीक है, गोदावरी गोदावरी, ठीक है, गोदावरी के पास, देन थर्ड है आसाम के पास। न्योलिथिक जो टूल्स है ये पाया गया है गारो हिल्स से मेघालय, ठीक है। सो वी ऑल्सो फाइंड अ नंबर ऑफ न्योलिथिक सेटल्स ऑन द नॉर्दर्न स्पोर्ट्स ऑफ द विंध्या इन मिर्जापुर अलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। न्योलिथिक साइट्स अलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट नोटेड फॉर द कल्टिवेशंस ऑफ द राइस इन द 6th मिलेनियम बीसी। ओके, सो द ऑक्युपेंट्स ऑफ द पीपल्स वेयर हंटिंग एंड फिशिंग। ओके, फिशिंग जो है मोस्ट हैव बीन डन बाय द लार्ज स्केल, तो मैक्सिमम यहाँ पे जो न्योलिथिक एज में फिशिंग में ऊपर डिपेंड करते थे। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इज डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, बहुत बार क्वेश्चन में भी आ गया है ये डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स जो न्योलिथिक एज में होता था नहीं होता था, यस होता था, बट पैलियोलिथिक एंड मेजोलिथिक एज में नहीं होता था। ओके, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द न्योलिथिक पीरियड एग्रीकल्चर जो है ऑल्सो द बिकेम द वन ऑफ द मेन ऑक्युपेंट्स ऑफ द पीपल्स। तो न्योलिथिक एज में एक तो हो गया डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होता था, देन एग्रीकल्चर जो है वो एग्रीकल्चर भी होता था। सो दैट यहाँ पे जो पीपल्स थे वो डिपेंडेंट होते थे एग्रीकल्चर के ऊपर। ओके, सो न्योलिथिक जो सेटलर्स है वो क्या है ना अर्लीस्ट फार्मिंग कम्युनिटी है, ठीक है, यही लोग है न्योलिथिक एज जो है, न्योलिथिक एज का जो मैन है ये लोग पहला ही
अर्लिएस्ट फार्मिंग कम्युनिटी। ओके, ये लोग क्या करते थे ना, पॉलिश्ड टूल्स ऑफ द स्टोन यूज करते थे, माइक्रोलिथिक ब्लेड्स यूज करते थे। ओके, दे लाइव इन सर्कुलर एंड इरेक्ट। उनका जो घर था ये क्या था ना, एक सर्कुलर घर था, ठीक है, सर्कुलर जैसे रेक्टेंगुलर हाउसेस था, वो जो है वो मेड होता था मड एंड रीड से। ओके, ये जो है इट इज हेल्ड दैट प्रिमिटिव पीपल्स आर लिविंग इन सर्कुलर हाउसेस ऑन प्रॉपर्टी इन द कॉमन। ओके, सो उस टाइम में प्रोड्यूस होता था रागी एंड हॉर्स ग्राम। ओके, हॉर्स ग्राम मीन्स जो को हिंदी में बोलते हैं कुल्थी बोलते हैं। ओके, नियोलिथिक पीपल जो है वो मेरगार्ड वेयर द मोर एडवांस, दे प्रोड्यूस द व्हीट एंड कॉटन। सो ये लोग जो है मोड ब्रिक्स हाउस में रहते थे, पॉटरी यूज करते थे फर्स्ट एफियर्स इन दिस फेज। ओके, हैंडमेड पॉटरी जो है ये फाउंड हुआ है अर्ली स्टेजेस। ओके, लेटर देयर जो पॉटरी है ये ब्लैक बर्निजियन वेयर ग्रे वेयर एंड मैट इम्प्रेस्ड वेयर सेल। सो वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो न्योलिथिक एज में एक तो हो गया डोमेस्टिक, वेरी इंपॉर्टेंट है कौन सा है इंपॉर्टेंस जो है, एक तो हो गया डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को उस टाइम में होता था, जो सेकंड है कल्टीवेशन होता था, थर्ड है पॉटरी। ओके, पॉटरी न्योलिथिक एज में ये तीनों मिलता था। ओके, सो न्योलिथिक एज जो है इंडिया का सब कॉन्टिनेंट बिगन 6 मिलियन BC। ओके, सम इंपॉर्टेंट क्रॉप्स जैसे क्या राइस व्हीट एंड बर्ली। ओके, ये उस टाइम में कल्टीवेशन होता था। ओके, जैसे क्या है इट अपीयर्स दैट पीपल्स वेर नाउ द थ्रेशोल्ड ऑफ द सिविलाइजेशन। ओके, द एज ऑफ द मेटल जैसे क्या है, एक तो हो गया पैलियोलिथिक हो गया, उसके बाद मेजोलिथिक हो गया, मेजोलिथिक हो गया, उसके बाद न्यूलिथिक हो गया, न्यूलिथिक के बाद जो है आ गया द एज ऑफ द मेटल, एज ऑफ द मेटल जो है ये आ गया। सो न्यूलिथिक एज जो है फॉलोड बाय द एज ऑफ द मेटल्स, दिस इज प्रूव्ड बाय द फैक्ट दैट यूज ऑफ द स्टोन एंड मेटल्स इम्प्लीमेंटेड। सो उस टाइम में क्या है, जैसे मेटल का एज आ गया तो यहाँ पे क्या है स्टोन एंड मेटालिक जो इम्प्लीमेंटेड हुआ है फाउंड बाय साइड बाय साइड। हाउएवर देयर इज नो इन्फॉर्मेटी रिगार्डिंग द यूज ऑफ द मेटल्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। ओके, सो इस टाइम में नॉर्थ इंडिया में जो है ये कॉपर रिप्लेस्ड हुआ है, रिप्लेस्ड किया स्टोन को, ऑर्डिनरली मेटल जो है टूल्स एंड वेपन्स यूज होता था, ठीक है, ये जो है एज ऑफ द मेटल्स में। सो देखा गया है ग्रेजुअली जो सब्स्टिट्यूट फॉर द कॉपर यूज किया गया है। ओके, दैट वॉज नॉट सो इन द साउदर्न इंडिया वेयर द आयरन एज इमीडिएटली सब्स्टिट्यूटेड द स्टोन एज। सो ब्रॉन्ज जो है अलॉय मेड ऑफ द 9 parts ऑफ द कॉपर एंड 1 part ऑफ द टिन। ओके, इट इज द ट्रू ब्रॉन्ज इम्प्लीमेंटेड ऑफ अर्लियर डेट दैट ओके बीन फाउंड इन द इंडिया ऑल्सो द डोज ऑफ द कॉपर्स। ओके, सो अमंग द मेटल्स जैसे कॉपर्स वॉज द फर्स्ट टू बी यूज इन द ड्यूरिंग द पीरियड ओके फॉलोड बाई द न्यूलिथिक एज। सो इसको इसका जो नाम है इसको चाल्कोलिथिक जो पीरियड्स इसको बोला गया है, मीन्स जैसे क्या है स्टोन एंड कॉपर फेज है ये। ओके, चाल्कोलिथिक पीरियड्स है, जैसे क्या है न्यूलिथिक एज खत्म हो गया, उसके बाद चाल्कोलिथिक एज जो पीरियड है वो स्टार्ट हो गया, इसलिए ना कॉपर यूज होता था, फर्स्ट कॉपर यूज यहाँ पे हुआ है। सो ये जो जलवा है ना निवास से ओके दयामाबाद इमान गाँव ओके प्रकाश नासिक ये जो है ऑल इन द महाराष्ट्र, ये यहाँ से मोस्ट प्रोमिनेंट चाल्कोलिथिक साइट है, यहाँ से मिला गया है। सो अमंग द इम्पोर्टेंट साइंस वन कैन बी मेंशन दो अलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में चिरान जो है नियर द पटना पंदू राजर धीवी एंड मिसाल दाल इन द बंगाल, ये जो है इम्पोर्टेंट साइट ऑफ द चार्कोलिथिक एज में। ओके, सो यहाँ पे ऑल द साइट जो है थे जो है ये लाइक क्या है नाहर और गिलुंद राजस्थान है, ये कॉपर ऑब्जेक्ट है ये भी फाउंड हुआ है राजस्थान में भी। ओके, ब्लैक एंड रेड वेज जो है ये प्रीवेलेंट टाइप्स ऑफ पॉटरी है, ये फाउंड हुआ है चार्कोलिथिक फेज में। ओके, देन ये जो है ब्लैक एंड रेड वेज ओके वेरी इंपॉर्टेंट है, बट ये हमारा न्यूलिथिक एज में ग्रे था। ओके, सो यहाँ पे ब्लैक एंड रेड आ गया, ठीक है। चार्कोलिथिक पीपल्स जो टेक्नोलॉजिकल वेल डेवलप्ड थे। ओके, देन स्पिंडल्स वॉच ओके फॉल्स जो है डिस्कवर्ड हुआ है मालवा क्लियरली रिफ्लेक्टेड दैट दे वर फेयरली गुड नॉलेज ऑफ द स्पिनिंग एंड वेविंग ऑल्सो। ओके, सो ये जो स्पिनिंग एंड वेविंग है ये लोग जानते थे चार्कोलिथिक एज में, टेक्नोलॉजिकली वेल डेवलप्ड था इसमें, ठीक है। सो टेराकोटा फिगर ऑफ द वुमेन है ये फाउंड हुआ है मेनी साइट से, सजेस्टेड दैट चार्कोलिथिक पीरियड है वर्शिपर्स ऑफ द मदर गॉडेस है। ओके,
the डेड वेयर बुरेड रेदर देन द क्रिमिटेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। ओके सो उस टाइम क्या है ना, जो कोई मर जाता था उसको क्रिमिटेड नहीं करते थे, उसको बुरेड करते थे, मींस मिट्टी में उसको दफना देते थे। ओके इंस्टेड ऑफ द जलाना, ठीक है, मीन्स उसको क्रिमिटेड करना। सल्कोलिथिक सेटलमेंट जो है फाउंड हुआ है इंडिया में, डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज, दो है, एक तो हो गया प्री हड़प्पान, ओके हड़प्पान, देन पोस्ट हड़प्पान। सल्कोलिथिक पीपल जो है, ये जो है डिस्टिंक्शन हुआ है, फर्स्ट कम्युनिटी टू यूज द पेंटेड पॉटरी। ओके वेरी इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन में भी आया है बहुत बार यूपीएससी में एंड ऑल ऐसे एसएससी और बैंक एंड आरबीआई में। ओके कौन सा है जो फर्स्ट कम्युनिटी, कौन सा कम्युनिटी है जो कि पेंटेड जो है पॉटरी यूज करता था। सो ये हो गया हमारा जो सल्कोलिथिक एज में, ठीक है। That's all for chapter one. Okay, thank you. We'll be covered in the next chapter. Okay, as soon as possible. Okay, thank you.